15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर ऑक्सफोर्ड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पावन प्रांगण में उपस्थित आज के कार्यक्रम के हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि नैटो डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष मेरे भाई इंजीनियर राजीव अग्रवाल जी, धामपुर की पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और इस विद्यालय की प्रबंध निदेशिका श्रीमती लीना सिंगल, विद्यालय के प्रधानाचार्य पहली बार इस विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मौजूद हैं आदरणीय रंजन त्यागी जी, नैटो डिग्री कॉलेज की इस वक्त कार्यवाह प्राचार्य डॉक्टर सीमा शर्मा जी और साथ ही वो राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का भी कार्यभार देख रही हैं। हमारे बीच में राष्ट्रीय क्रेडिट कोर यानी NCC के कोऑर्डिनेटर नैटो डिग्री कॉलेज के आबिद हुसैन भी मौजूद हैं और भी नैटो डिग्री कॉलेज के समस्त स्टाफ, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के जो भी हैं टीचर्स और स्टाफ मौजूद हैं। आप सबको पहले तो मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उन सभी को नमन करता हूँ उन जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे पूर्वजों ने जिन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए सामूहिक रूप से सभी धर्म सभी जातियों के लोगों ने पूरे देश के लोगों ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक या पश्चिम से लेकर पूर्व तक जितने भी राज्य हमारे देश के हैं सभी राज्यों के अलग अलग कोनों में हमारे पूर्वजों ने इस देश को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ी, कुर्बानियाँ दी, बलिदान दिए और उनके उन बलिदानों की बदौलत आज हम स्वतंत्र हैं और इस स्वतंत्र देश के अंदर हम आज निवास कर रहे हैं और अपने आज उस माहौल में हम जी रहे हैं जहाँ पर सभी को अपने अधिकार हैं। आपको हमारे को सबको बराबर अधिकार है, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि देश के अंदर सबको अधिकार नहीं है अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का, अपना कुछ भी जीवन में तरक्की करने का, उन्नति करने के लिए या अपने पारिवारिक सामूहिक रूप से समाज के लिए कुछ करना चाहे उसे पूरी स्वतंत्रता है। इस माहौल में हम पैदा हुए हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ दोबारा उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, उन सभी बलिदान देने वाले हमारे आदरणीय पूर्वजों को जिनकी बदौलत हम आज यहाँ इस माहौल को, इस कार्यक्रम को, इस स्वतंत्रता दिवस के महोत्सव को मना रहे हैं। इस देश का एक अलग चरित्र है, अलग चरित्र यह है कि आप जितने भी हमारे राज्य हैं हर राज्य की संस्कृति, हर राज्य की भाषा, हर राज्य की खाने पीने का अलग तरीका है, लेकिन उस सबके बावजूद इस देश की एकता का एक सूत्र है उसको बांधता है, वो बांधने का कारण है कि हम सब भारतवासी हैं। भारत नाम देश, इंग्लिश में इंडिया बोल देते हैं, भारत जहाँ भी आप जाएंगे, अभी कहाँ से हो, मैं मिजोरम से हूँ, मैं असम से हूँ, लेकिन किस जब देश की बात आती है तो हम सब लोग बोलते हैं भारत के निवासी हैं। और भारत के निवासी के बाद उनके दो सबसे बड़े त्यौहार हैं, ये देश के दो सबसे बड़े त्यौहार हैं जो किसी भी धर्म के त्यौहार से, किसी भी जाति धर्म के त्यौहार से बड़े हैं और वो हैं स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। और हम सबको सामूहिक रूप से अपने बच्चों को भी, अपने समाज के लोगों को भी ये धारणा देनी चाहिए कि हम सब पहले भारतीय हैं, ये दोनों त्यौहार हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं, घोषित हैं और हमको इन्हें उसी रूप में मनाना है। और जैसा कि आज हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलेंगे, सबको साथ लेके बढ़ेंगे, सबके लिए जिएंगे, सबके लिए करेंगे। सभी सरकारों ने इस देश के विकास में अपना कोई ना कोई योगदान दिया है, हर नेतृत्व ने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है और आज जो वर्तमान नेतृत्व है उन्होंने न केवल देश को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाया है बल्कि दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर पहली बार जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने देश के, उन्होंने पहली बार हिंदुस्तान के भारतवासी जो भी पूरी दुनिया में रहते हैं उनको एक मौका दिया है, उनको एक भाव दिया है और वो भाव दिया है स्वाभिमान का, उनका सीना चौड़ा कर दिया है क्योंकि आज विदेशों में भारत को दूसरी तीसरी श्रेणी का मुल्क नहीं मानते, आज टक्कर का मानते हैं। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति यहाँ आता है या अमेरिका का राष्ट्रपति कहीं भी किसी जगह मोदी जी को मिलता है, हमारे प्रधानमंत्री को मिलता है तो उसी भाव से हाथ मिलाते हैं दोनों एक दूसरे से कि जैसे कोई बराबरी के दोस्त हो, बराबरी के साथी हो। ये भाव इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में हमारे भारतवासियों को दिया है। इस देश के अंदर रहने वाले जब भी कभी बाहर जाते हैं या जो भी हमारे परिवारों के लोग विदेशों में रह रहे हैं आप उनसे बात करिए, जो हमारे पूर्वज भी रह रहे हैं, बड़े भी रह रहे हैं, वो ये कहेंगे इतना सम्मान का भाव भारतवासियों के प्रति विदेशों में है जो पहले कभी नहीं था। उसका श्रेय जाता है सीधे सीधे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले इन वर्षों में हिंदुस्तान, भारत
बहुत जल्दी उस स्थिति में होगा जब दुनिया को, विश्व को हम बहुत सारी चीजों में विश्व गुरु के रूप में नियंत्रित करेंगे। अभी कोरोना महामारी का पीरियड देखा होगा आपने, पूरी दुनिया में एकदम पैनिक सा आया, तनाव हो गए थे। उस माहौल में भी ये आया कि दवाई देने की बात आई, हाइड्रोक्सीन की टैबलेट देने की बात आई, तो हमेशा आगे बढ़ करके मोदी जी ने उसका नेतृत्व किया और उस तनाव को भी कम करने का काम उन्होंने किया विश्व के अंदर। ना केवल उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया बल्कि वैश्विक नेतृत्व के रूप में उन्होंने अपनी पहचान दी, देश को पहचान दी। इसके लिए भी आज मैं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अपने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ, दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरे परिवार के बहुत सारे लोग विदेशों में है, मेरा सगा भाई आप लोग जानते हैं कनाडा में रहता है, राजीव जी मेरे पीछे मौजूद है, इनकी सगी बहन अमेरिका में रहती है, मेरे तमाम दोस्त भाई बहन परिवार के लोग हैं, वो बताते हैं कि जो सम्मान भाव पहले था, एक तो कंप्यूटर के युग ने हमारे देश के बच्चों को सम्मान दिया, आईटी सेक्टर ने हमारे को पूरी दुनिया में पहचान दी, सम्मान दिया, और दूसरा जो कारण आया वो आया कि हमारा राजनीतिक नेतृत्व इतना मजबूत है कि उसकी वजह से भी हमारे देश के लोगों को बाहर सम्मान मिल रहा। तीसरी बात मैं इस वक्त ये कहना चाहता हूँ, अभी मनोज जी ने कहा ये पहली बार हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं जहाँ पर हमारे बीच में छात्र मौजूद नहीं है, हमारे छात्र मौजूद नहीं है परंतु हम सब भी छात्र हैं, वी ऑल आर स्टूडेंट्स। हम अपने जीवन में प्रत्येक दिन किसी ना किसी से कुछ सीखते हैं, बड़ों से भी छोटों से भी, तो ये मत कहो कि आज छात्र बिल्कुल नहीं है, हमारे अपने स्टूडेंट्स नहीं है, हमारे अपने छात्र नहीं है, लेकिन हम सब छात्र हैं, हमारे कोने को गुरु हैं, उनको नमन करते हुए हम यहाँ छात्र के रूप में उपस्थित हैं। हम ही किसी न किसी विद्यालय से पढ़ के निकले हैं तो अपने मन में ये भाव रखिए कि आज हमारे हम उसी विद्यालय के प्रांगण में हैं, ये भी वही विद्यालय है जहाँ से हम पढ़ के निकले हैं और हम सब अभी आज छात्र हैं। मैं भी आज भी रोजाना कुछ ना कुछ सीखता हूँ, अपने स्टूडेंट से भी सीखता हूँ, अपने टीचर से भी सीखता हूँ, कलीग से भी सीखता हूँ, बहुत सारी चीज़ सीखता हूँ, मेहनत कैसे करी जाती है वो सीखता हूँ, अपने पिताजी से सीखता हूँ मेहनत कैसे की है, उससे सीखी है, मम्मी से सीखी है, और बहुत सारे मेरे बड़े हैं समाज में, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं जिन्होंने मेहनत की है, बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने बच्चों को बड़ी मन से मेहनत से पढ़ाया है, उनसे सीखा मैंने, ईमानदारी सीखी अपने बड़ों से, और आप सबको भी वो आना चाहिए। अगर मैं अपने विद्यालय में अपने या अपने डिग्री कॉलेज में काम कर रहा हूँ और अपने बच्चों के प्रति अपने स्टूडेंट्स के प्रति मैं ईमानदार नहीं हूँ तो मैं वफादार नहीं हूँ, परिवार के लिए ईमानदार हूँ और जहाँ मैं काम करता हूँ अपनी नौकरी करता हूँ उसके प्रति मैं ईमानदार नहीं हूँ तो भी वो बेकार है। तो वफादारी मुल्क से होनी चाहिए, देश से होनी चाहिए, वफादारी अपने जिस जगह हम काम करते हैं उससे भी होनी चाहिए, जो काम हमें दिया गया उससे भी होनी चाहिए, अपने परिवार से भी होनी चाहिए, तभी हम अपने देश के सच्चे नागरिक अच्छे नागरिक हैं। और कुछ बात आज बच्चों के लिए मैसेज दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ जो बच्चे आज घर पर हैं ये वीडियो देखेंगे कि बच्चों आप हमारे देश का भविष्य हो, हम चाहते हैं कि आप सब न केवल ऑक्सफोर्ड स्कूल से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बल्कि और जो बच्चे दूसरे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, महाविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उन सभी से कहना चाहता हूँ कि आप सब हमारे देश का भविष्य हो, आप सब किसी न किसी माँ बाप की संतान हो, आप सब ने अपने माँ बाप से अच्छाइयाँ सीखी होंगी, कोई बच्चे के माँ बाप अभी जीवन में उसको गलत बात नहीं सिखाते, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने माँ बाप के संस्कार अपने अंदर पूर्ण रूप से उतारिए, अपने जीवन में उनको अपनाइए, और जो आपके शिक्षक जो आप वो भी माँ बाप के समान हैं, और हमारे तो कहा गया है कि कबीर जी ने कहा है गुरु गोविंद दो खड़े कागे रंग पाओ बलियारी गुरु, आपने जो गोविंद ये मिला, यानी कि गुरु जो है वो भगवान का रास्ता बताता है, तो गुरु का सम्मान भगवान से पहले स्थान दिया है, तो इसलिए आप सभी से कहूँगा कि अपने गुरुओं का सम्मान करिए, अपने माँ बाप का सम्मान करिए और अपने जीवन में वो आदर्श बनाइए जिससे कि सारे स्कूल के टीचर, सारा आपका स्कूल, आपका विद्यालय परिवार आपके सफलताओं से, आपके आचरण से, आपके व्यवहार से गौरवान्वित हो सके। मैं इस अवसर पर हमेशा की भांति नेटवर्क के अंदर हमारे ऑक्सफोर्ड स्कूल का रिजल्ट हमेशा टॉप आया है, मैं दोबारा से आज ये बात सबके सामने कह रहा हूँ, जिस दिन से ऑक्सफोर्ड स्कूल स्थापित हुआ है हाई स्कूल या इंटर जो भी परीक्षाएं हुई हैं आज तक नेटवर्क, क्योंकि इंटर का रिजल्ट ही टॉपर तय करता है किसी विद्यालय का, तो आज तक नेटवर्क के ऑक्सफोर्ड स्कूल के स्टूडेंट ही टॉपर हैं, आज तक इस साल भी हमने टॉप किया है और इस साल एक और उपलब्धि हमने हासिल की है कि हमारे पिछले दो तीन साल पहले कई स्टूडेंट धामपुर तहसील में उन्होंने टॉप किया था, अब्दुल रहमान ने शुरुआत की थी 97 से, उसके बाद चंद्रवाहिनी चौधरी 98 2018
17 में अब्दुल रहमान, 18 में चंद्रवाही चौधरी, 19 में अक्षय चौधरी और इस साल प्रियांशी डवास। और प्रियांशी डवास ने इन सबसे आगे बढ़ के न केवल नैटोर और धामपुर बल्कि जिले के अंदर उसने दूसरा स्थान प्राप्त किया इंटरमीडिएट में। इसके लिए पूरा विद्यालय परिवार और उस बच्ची को मैं बधाई देता हूँ, उसके परिवार के माँ बाप को भी बधाई देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह परीक्षाफल हमारा आगे भी चलता रहेगा। इस साल भी हमारे इंटर के स्टूडेंट्स ने बहुत कमाल किया है, हाई स्कूल के बच्चों ने टॉप किया है। हाई स्कूल का बच्चा आदर्श चौधरी, उसने भी जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। बहुत सारे बच्चे हाई स्कूल में, आज 10-12 बच्चे ऐसे जो 90+ से ऊपर है, 95+ से ऊपर है, उन सभी को बधाई देता हूँ। एक बड़ी अच्छी बात यह कि हमारे स्टाफ के बहुत सारे बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते आए हैं, पहले ही पढ़ के निकल गए, अभी पढ़ रहे हैं। तो हमारे बीच में रविंद्र त्यागी जी सालों से मेहनत कर रहे हैं स्कूल की और डिग्री कॉलेज की लगातार व्यवस्था में, रात दिन मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं। इनके बेटे ने भी, अरविंद त्यागी ने इस वर्ष हाई स्कूल का एग्जाम दिया और वो भी सेकेंड है, 96.71% मार्क्स से उसने पास किया। तो स्टाफ के तौर पे भी मैं विद्यालय परिवार की तरफ से रविंद्र त्यागी को बधाई देता हूँ। और त्यागी जी ने जो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो अपने बच्चों के लिए करते हैं, हम माँ बाप कर रहा है। और इनका भी कहना है जब तक मेरे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं तभी तक मैं ऑक्सफोर्ड में, नेटो में और डिग्री कॉलेज में काम कर रहा हूँ, उसके तुरंत बाद में अपना कुछ का बिजनेस करूँगा। तो अच्छी बात है, भगवान इनकी भी इच्छा पूरी करे, लेकिन इनके बच्चे आगे बढ़ के इस स्कूल का भी नाम रोशन करें और बड़ा अधिकारी बन के वो आए हमारे बीच में, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। सभी बच्चों को मैं बधाई देता हूँ जिन्होंने इस साल हमारे स्कूल के रिजल्ट को पूरे ज़िले में एक बड़ा मान सम्मान दिया है। और टेक्निकली बोलूँ तो हमारे यहाँ जो प्रियांशी डवास जिले की सेकेंड है, टेक्निकली सेकेंड है, बट जिस स्कूल के बच्चे फर्स्ट आई है वो कोटद्वार की बच्ची है, कोटद्वार के स्टूडेंट है, कोटद्वार के जो है मैनेजमेंट है और विद्यालय स्थापित भी कोटद्वार के लोगों ने किया है। परंतु बाउंड्री जो है वो नजीराबाद बॉर्डर पे, क्या जगह का नाम है उसका, तेलीपाड़ा, वहाँ की है। तो वो चूँकि बच्ची कोटद्वार के हैं लेकिन टेक्निकली वो बिजनौर में स्कूल आता है, तो उस बच्ची को बधाई देता हूँ रिमझिम अग्रवाल को। बट प्रियांशी आप टेक्निकली ना देखें और एक्चुअल में देखें तो जिला बिजनौर की आप टॉपर हो, मैं आपको बधाई देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और सभी उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने इंटर में सेकेंड हमारे बच्चा था, इंटर में 95.2% पीसीएम ग्रुप में हर्षित और बायो में हमारे यहाँ जो बच्चे ने टॉप किया उसके 89% मार्क्स हैं। अग्रवाल पूर्वी कॉमर्स में, कॉमर्स की, कॉमर्स में पूर्वी अग्रवाल ने टॉप किया है और बायो में प्रियांशी डवास ने। और इन सबको बधाई देता हूँ, जितने भी और बच्चे, जितने ही बच्चे मेरे स्कूल से पास होकर निकले इंटर से, उन सबको बधाई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जीवन में बड़ा स्थान प्राप्त करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे और विद्यालय को गौरवान्वित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार जरा नारा लगाएंगे जोर से मेरे साथ, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद।